कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, जिससे कितना भी शातिर आरोपी हो बच नहीं सकता। लेकिन हम आज आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जिसमें पुलिस प्रशासन की उदासीनता साफ नजर आ रही है। जी हाँ, शाजापुर जिले में ग्राम बाड़ी गांव में 2.5 माह पहले एक बालक की हत्या की गई, जिसके आरोपियों का अब तक पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। बता दें कि 24 नवंबर 2019 सलसलाई थाना क्षेत्र के ग्राम बड़ी गांव 5 साल का मासूम गायब हो गया था और 4 दिन बाद 28 नवंबर को उसकी लाश एक खंड हरनुमा मकान में मिली थी। जिस हाल में मासूम की लाश मिली थी, उससे बलि के उद्देश्य से बालक का अपहरण किए जाने की संभावना जताई गई थी। बालक की हत्या के पीछे ग्रामीण तंत्र क्रिया की आशंका जता रहे थे, क्योंकि आरोपियों ने अपना उद्देश्य पूरा होने के बाद लाश को उसी जगह फेंक दिया था, जहां पुलिस भी कई बार तलाश कर चुकी थी। मामले में पुलिस ने कई तंत्र क्रिया करने वालों से भी पूछताछ की, लेकिन असली आरोपी तक पुलिस अब तक नहीं पहुँच पाई है। वहीं परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। प्रदेश के मुखिया भले ही सूबे में बेहतर कानून व्यवस्था की बात करते हों, लेकिन पिछले 2.5 माह में मासूम के हत्यारों को गिरफ्तार करना तो दूर, उनका कोई सुराग भी नहीं लगा पाई है, जिससे एक बार फिर कानून के खिलाफ लोगों का विश्वास कमजोर होता नजर आ रहा है। 2.5 महीना हो गया है, अभी तक पता नहीं चला है कि वो मारने वाला क्यों नहीं पकड़ा रहे। पुलिस वाले के पास में जाए तो पुलिस वाले के जानकारी ले ले, फिर बाद में देखेंगे कि कहाँ जाएंगे, बच के वो से पकड़ेंगे। ऐसी बोला उनने, हम उनके पास जाएं तो उनके 2 लड़के लड़की है, छोटी तो लड़की है, बड़ी तो लड़की है और छोटा लड़का था। कितना साल का वो? उसके है नहीं, ये 7वां साल चल रहा था, तो 6 साल का तो है जी। ये पुलिस नहीं मेरी गौर करेगी, नहीं पकड़ पाएगी तो मैं शाजापुर जाऊँगी, नहीं तो भोपाल जाऊँगी आगे। खबर मध्य प्रदेश के लिए गुलाना से पंकज राठौर की रिपोर्ट।